हाँ नमस्ते सभी को। मैं रोहताश तंवर पलवल का रहने वाला हूँ। ये मेरी पत्नी समोज कुमारी जी हैं। इनको पिछले 1 से 1.5 साल पहले से एक परेशानी थी। इनके यूट्रस में सिस्ट था, जिसका कि हमने कई बार अल्ट्रासाउंड कराया, पलवल में भी हमने मेडिसिन्स ली, लेकिन उसका 6 महीने 8 महीने तक हमने दवाइयाँ दिलवाई, पर उसमें कोई हमें फ़ायदा नहीं मिला, ना कि उनका साइज़ कम हुआ और कुछ भी नहीं हो पाया। उसके बाद फिर हमने फरीदाबाद में किसी हॉस्पिटल में कईयों में दिखाया, उसके बाद हम दिल्ली में भी हमने कुछ हॉस्पिटल्स में दिखाया, लेकिन सभी ने सलाह दी कि इसका ऑपरेशन ही होगा। उसके बावजूद भी फिर हम थोड़े से कंफ्यूज थे कि हम किस डॉक्टर पे कराएं जो हमारा अच्छा ट्रीटमेंट कर सकें, अच्छे से ऑपरेट कर सकें उसके लिए। तभी हमारे पलवल से यहाँ पर एक अंजू मैडम है जो यहाँ पर हैं हॉस्पिटल में, मेरेंगो हॉस्पिटल में, प्लस में एक मेरे कज़न हैं जो विनोद कार्डियोलॉजिस्ट में हैं, यहीं पर हैं वो भी, तो इनसे भी मेरी बात हुई। इन्होंने फिर सलाह दी कि एक बार आप हमारे यहाँ पे आके मिलिए। तो उसके बाद हम यहाँ पर आए, डॉक्टर निशा कपूर जी से हम मिले, उन्होंने हमें एडवाइज़ करा, उन्होंने टेस्ट करे पहले, तो उसके बाद हमें बताया कि होना तो इसका ऑपरेशन ही है। बट हाँ, एक और चीज़ थी कि दूसरे हॉस्पिटल्स में जब मैं दिखा रहा था तो उन्होंने बताया था कि इनकी ओवरी भी रिमूव करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑपरेशन के लिए वो ज़रूरी था। बट यहाँ जब डॉक्टर साहब से बात हुई निशा कपूर जी से, उन्होंने बताया हम ओवरी को सेफ रख के भी ऑपरेशन सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने मुझे इसके कई तरीके बताए। पहले तो ओपन सर्जरी भी होती है, दूसरा उन्होंने बताया दूरबीन से भी हो सकती है, तीसरा एक और अभी हाई टेक्नोलॉजीज है, रोबोटिक सर्जरी। तो हमने अपनी इच्छा से और उनके बताने पर हमने रोबोटिक सर्जरी को चूज़ किया। तो उन्होंने रोबोटिक सर्जरी करी, आज से 8 दिन पहले करी थी, लास्ट थर्सडे, आज भी थर्सडे ही है। तो उसके बाद सक्सेसफुली सर्जरी हुई, सारा कुछ है, बिल्कुल ठीक ठाक है हमारे पेशेंट भी, मेरी वाइफ इस टाइम, और आज हम फिर उनसे मिलने आए थे, तो सब कुछ ठीक है, कोई हमें इशू नहीं है, कोई हमें परेशानी नहीं है किसी भी तरह की। तो हम अपनी ओर से सारी टीम का, डॉक्टर निशा कपूर जी का, उनकी सारी टीम का, हॉस्पिटल के बाकी एम्प्लॉइज़ का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनकी वजह से हमें एक सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ और मेरी वाइफ आज बिल्कुल फिट फॉर हैं, कैसी भी कोई हमें परेशानी नहीं है। थैंक यू। मेरा नाम समोज है, मेरे पास बताने में रसोई बताई गई, पर मैंने यहाँ क्यू आर जी पर मैडम ईशा का नाम सुना, फिर मैंने उनसे सलाह देने के लिए यहाँ पे आई, फिर मैंने वही मैडम से बात की, तो उन्होंने मेरे को बताया कि सर्दी 2 प्रकार से होती हैं, एक तो रोबोट से होती हैं, एक दूरबीन से होती है, और मैंने रोबोट वाली सुनी, और मेरे को उसे बहुत अच्छा लगा। मेरा ऑपरेशन हुआ परसों, अब मैं डोल फिर रही हूँ, खा पी रही हूँ, आज मेरी छुट्टी हो रही है, मैं उनकी टीम की और निशा के बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से मेरा ऑपरेशन हुआ है, आज मैं ठीक होके अपने घर जा रही हूँ। आई एम डॉक्टर निशा कपूर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ फॉर्म्स एंड गायनी, एडवांस लेप्रोस्कोपी एंड रोबोटिक सर्जरी। वेल, आई हैव बीन डूइंग लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज फॉर लास्ट अबाउट 35 ईयर्स, एंड आई हैव ट्रीटेड मल्टीपल नंबर ऑफ पेशेंट्स फॉर मल्टीपल डिजीजेज, यू नो, ऑलमोस्ट 20,000, मोर देन 20,000 सर्जरीज आई हैव डन लेप्रोस्कोपिकली। But then, robotic surgery has been a dream for me because there are some conditions in gynecology which are better treated by robotic surgery. For example, cancer surgeries, for example, endometriosis, then tubal recanalization, and also fistulas. These are some conditions where robotic surgery definitely, you know, has got a benefit over the laparoscopic surgery. And we have been very eagerly waiting for the robotic surgery to be started in our hospital, and we are lucky to have it. You know, 3 months back the robotic robo was installed in our hospital, and we have started, you know, after a period of training we have started our gynec surgeries. So our first surgery was done for patient Sumoj, who came from Palwal with the diagnosis of fibroid uterus. She has been to many hospitals and she heard about robotic surgery in this hospital, and she came and asked the various modalities of treatment, and we offered all the modalities like open surgery, laparoscopic surgery and robotic surgery, and she chose robotic for herself. And it was done in a very smooth manner,
Of course, it was a first experience for us, but then because of the training we were imparted, the surgery went on smoothly. And the post-operative period was also uneventful. Patient bilkul khush gayi and koi problem nahi thi. 2 din ke baad patient discharge ho gayi and she was very happy. And we are also happy and we want to carry forward this art of robotic surgery and give the benefit to many of our patients who have got more complicated diseases, which I have already listed. So, and of course, you know, this is a any kind of a minimally invasive work like laparoscopic surgery and robotic surgery is a teamwork. And I'm lucky to have a dedicated team with Dr. Pooja, Dr. Kanika, Dr. Priyanka and Dr. Aparna. And unless you know that the whole team is motivated, it is not possible to carry on such an advanced work. So I'm lucky that way. And we hope as a team to carry forward this art and pass on the benefit to more and more patients, not only in Faridabad, but NCR and around. Thank you.